जैसलमेर की पंचायत समिति सम ग्राम पंचायत श्यामबर के पूर्व सरपंच हाशम खान से आरपीडी न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता ने हमें मौका दिया है तो हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में बालिका विद्यालय बनाना हमारा उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में समाज सेवी वे पूर्व सरपंच हाशम खान के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत श्यामबर। यहाँ जो सरपंच साहब है हाशम खान जी वो हमारे साथ है, उनसे होते हैं रूबरू, जानते हैं ग्राम पंचायत के ताज़ा हाल कि ग्राम पंचायतों में किस प्रकार की समस्याएं हैं और लोगों को यहाँ किस प्रकार की डिमांडेशन, यहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है। तो करते हैं बात हाशम खान जी सरपंच साहब से। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में हाशम खान जी आपका स्वागत है। जी जी जी, यही है साहब, अपने ग्राम पंचायत से हमारे पहले पंचायत सब नज़दीक है। जी जी। ये हमारी पंचायत क्या है, बहुत बड़ी है, लंबी है। जी जी। जो इसका क्षेत्र क्या है, यहाँ से लगता है हाबूर से लगा करके सामे सम को क्षेत्र लगता है। जी जी। इससे बड़ा क्षेत्र इतना है कि कम से कम हम पंचायत जाते थे 25 किलोमीटर हमारे से पंचायत दूर है। जी जी। 25 किलोमीटर के दायरे में फैली पंचायत है। पंचायत हमारे गांव से 50 किलोमीटर 25 से। जी जी। और 25 उससे आगे सम पंचायत लगती है। ठीक है ना। तो ये एक तो बड़ी पंचायत ये श्यामबर है। ठीक है ना। जी जी। इसलिए जो काम चल रहा है, पहले में शिक्षा का काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक है ना। शिक्षा का काम चल रहा है ठीक है। जैसे अभी हमारी पंचायत के अंदर 12वीं ग्राम पंचायत श्यामबर में है, पंचायत के अंदर ठीक चल रहा है, शिक्षा का कमी कोई नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ दूर होते ही और नरेगा के लिए जो बारे में है, जैसे नरेगा चल रही है तो नरेगा में लोगों को जैसे रोजगार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा रोजगार है, तो ये मौसम अभी गर्मी की आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग 2 किलोमीटर से ज़्यादा 3 किलोमीटर है तो उसमें लेडीज कम पहुँच सकती है। क्यों जी, जी, जी। ठीक है ना। तो उस टाइम तो सरपंच साहब जैसे सरकार के द्वारा गाइडलाइन आएगी, समय में परिवर्तन होगा। हाँ, उसमें ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में कोई भी पंचायत काम 200 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी। क्यों, लेडी से पहुँची नहीं। जी जी। जैसे सवेरे निकली थे तो उसका खाना बनाना है, हर गांव घर का काम करना है। जी जी। तो 3 किलोमीटर जाकर मजदूरी करके वापस नहीं आ सकती। अभी बिल्कुल अभी जो सरकार ने 125 दिन किए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें तो साहब काम 125 दिन किया है मंगियाड़े में, इसलिए इसकी हाजिरी बढ़नी चाहिए और दिन बढ़ाने से कुछ नहीं होता। कम से कम आज हमारे यहाँ लेबर मिलती है 500 रुपया एक आदमी का, तो 200 रुपये में 220 में कौन चलेगा। और पोसाता में बहुत महंगाड़ा हो गया, राशन भी महंगा हो गया, हर से किराया भी महंगा हो गया, खाना पीने की हर से भी महंगी हो गई। जैसे अपने तेल है, सरसों का तेल अब यहाँ मिलता है 300 रुपये लीटर। तो ये महंगियाड़े से लिए कर हाजिरी बनने से फायदा नहीं है पब्लिक को। जी जी जी। ये तो वैसे दिन बढ़ाना चाहिए जैसे सड़क। तो पब्लिक की महंगाई को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मजदूरी दर है वो बढ़नी चाहिए। मजदूरी कम से कम 300 रुपया होना चाहिए। जी जी। दर की मजदूरी गुजारा देने नहीं है तो हाजिरी पूरी करना है तो उसकी मर्जी सरकार की, ये आगे सरकार की। जी जी। एक सरकार ने दूसरा नियम जैसे अभी पंचायतों पर थोपा है, उसका काफी सरपंच संघ है जैसे राजस्थान आपका विरोध भी कर रहा है सरपंच साहब, जैसे ऑनलाइन हाजिरी लगे उससे उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ना, उसको ऑनलाइन करने से फायदा नहीं है, पब्लिक को फायदा नहीं है, सरकार को फायदा है, सरकार का पैसा बचत है। सरकार इसलिए पब्लिक को पैसा नहीं देना, रोजगार नहीं देने चाहती है। कैसे सरपंच साहब इससे रोजगार में कैसे असर पड़ेगा? नहीं असर कोई, जैसे अभी टाइम बाई टाइम एक अब जैसे हाजिरी लगनी है 9 बजे लगेगी, कोई 9 बजे 9:30 बजे आ गया तो उसकी हाजिरी खत्म होगी। जी। से इसलिए आज में पब्लिक को फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। जी जी। जैसे बोलते हैं सरकार का कानून है कि अपने 9 बजे हाजिरी अंगूठा लगना चाहिए। जी जी। जैसे कोई 9 बजे से आधा घंटा वापस आता है तो उसकी हाजिरी लिफ्ट चली जाएगी। जी जी। ठीक है ना। तो क्या डिमांडेशन आपकी? इसकी डिमांड ये है, ये काम गलत है, इसको लेबर को अंगूठे से कुछ नहीं होता, लेबर करने वाला तो काम करेगा। जी जी। वो तो मेट भरेगा चाहे इंजीनियर देखेगा जो काम होगा। जी जी। और इसलिए इसको फायदा नहीं है, पब्लिक को फायदा नहीं है, सरकार को फायदा है कि जो टाइम पे नहीं पहुंचेगा वो सरकार का पैसा बच जाएगा, यही है उसको। इसके अलावा जैसे सरपंच बात करते हैं अपने श्यामबर की, और यहाँ कौन किस प्रकार की समस्या है? समस्या हमारे यहाँ श्यामबर पंचायत में पानी की समस्या है। जी जी।
जैसे हमारे इसमें दो इलेक्शन लगते हैं जी, तो श्यामर पंचायत और मारखा गांव ये सिटी के नीचा है, एक्शन के नीचा है जी जी, ठीक है, यहाँ कोई पानी की सुविधा है ही भी नहीं जी जी, नहीं तो ज्यादा हालत खराब। अच्छा ट्यूबवेल है वहाँ पानी कवड़ा है, ग्राम पंचायत श्यामर में ट्यूबवेल है जी जी, पानी बिल्कुल खारा है जी जी, बिल्कुल कवड़ा पानी ठीक जी जी, और मारके गांव में ट्यूबवेल है उसकी कोई सर्वे है नहीं, नहीं ट्यूबवेल बंद पड़ा है ठीक जी जी। तो अभी सरकार की जो योजना आई है जल जीवन मिशन, एक बहुत बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की, तो उसमें आपकी पंचायत का चयन हुआ? चयन तो हुआ है, ऐसे ले लिया है, जैसे कहा कि भैया फलाना फलाना आदमी चयन कर दो, फिर अभी काम कोई शुरू हुआ नहीं है, नहीं कोई यहाँ सर्वे हो ये, खाली चयन कागजा में लिया हुआ है, सर्वे नहीं हुई भाई, फलाने गांव के अंदर इतने नल लगेंगे, ये अपने देंगे फलाना फलाना आदमी को नल देंगे, ऐसे कोई नहीं हुआ, पर खाली चयन हुआ है अभी, सर्वे कोई नहीं हुई है गाँव की जी 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 सर। सर्वे हुई नहीं लेकिन एक आशा बंधी है लोगों में, क्यों आशा बंधी है जी, बताया है कि काफी को पानी हम पहुंचा देंगे, घर घर नल पहुंचाएंगे, यह सर्वे है और कोई ऐसे सर्वे नहीं है, जैसे गांव के अंदर सर्वे होती है घर से फलाने घर से लेकर के या फलाने वार्ड से फलाने वार्ड तक, ऐसी कोई सर्वे नहीं। इसके अलावा सर्वे से बात करते हैं चिकित्सा सुविधाओं की, तो वर्तमान में जैसे कोरोना काल में अपने काफी दिक्कतें आई, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी ट्रेजडी हुई, तो वर्तमान में क्या स्थिति है आपके यहाँ? नहीं यहीं ठीक है, अभी हमारे यहाँ क्या है कि एक तो नर्स लगी हुई है ग्राम पंचायत सियामर में जी, वो इतनी जानकार नहीं है और हमारे को सुविधा नहीं मिल रही है इसकी जी जी। और कोरोना में तो ठीक थे, हमने जांच किया था, जैसे टीमें भी आई थी कोरोना के अंदर, कंट्रोल भी अच्छा किया, ऐसी कोई बात है, सरकार भी मदद की भी, अभी हमारे जैसे चिकित्सा चल रही है इसमें कोई हमारे को फ़ायदा नहीं है, नहीं टाइम पे किसकी देखभाल हो रही है, नहीं किसी को टाइम पे इलाज हो रहा है, बिल्कुल श्यामर ग्राम पंचायत में और प्रॉपर पंचायत के अंदर भी ऐसा काम नहीं हो रहा, फायदा नहीं। तो वर्तमान में जैसे अभी डिलीवरी वगैरह अगर होती है तो लोग कहाँ जाते हैं? तो हमारा हाबूर जाना पड़ता है, पीएससी, हाँ पीएससी हाबूर, और नहीं है तो फिर हम जाते हैं करीबन जैसलमेर जी जी, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर, हाँ ये 50-55 किलोमीटर जैसलमेर है जी, और हमारी ग्राम पंचायत श्यामर से करीबन पड़ता है 40 किलोमीटर गांव की डाणिया से हमारे पीएससी हाबूर आना पड़ता है जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब वर्तमान में जैसे अभी 2 वर्ष बीतने को क्या उपलब्धि आ रही है अपने पंचायत की मोटे तौर पर? नहीं मोटे तौर पर ऐसा कोई फायदा हमारा नहीं हुआ है जी। कोई भी नहीं, नरेगा का काम पहले 70% हमारे लेबर चली थी जी। उसके बाद में ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, अभी भी 60-70% लेबर चली है हमारे जी। कुल मिलाकर देखेंगे तो मतलब 70% ही चली है लेबर अभी तक जी जी, इसलिए कोई फायदा तो हुआ नहीं सरकार का, मेरी हाजिरी बढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं, अभी तक तो हमारे मिस्टर लुटे भी नहीं है जी जी। एक रुपए का भी फायदा नहीं, हाजिरी तो 25 बढ़ा दी जी जी। पहले भी हाजिरी कम पड़ी है और अभी बढ़ाई है, इसमें कोई फायदा नहीं है इसे सरकार का। इसके अलावा सरपंच बात करते हैं जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा को लेकर आज अपने काफी पीछे नजर आते हैं बालिका, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भाई बालिका का हमारा क्या है कि भाई बालिका के लिए बिल्कुल कमज़ोर है बच्ची, लगने चाहिए वो मास्टर जी जी। लेडीज वो है नहीं हमारी ग्राम पंचायत सियामर में, एक मांग है जी जी। जैसे हम एसी का गांव है जी जी। तो बालिका के लिए कम से कम अलग से बालिका विद्यालय हो, अलग से बालिका विद्यालय होना चाहिए और बालिका हर स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए होनी चाहिए, मास्टर भी लेडीज होने चाहिए जी जी। ये हमारा काम जरूरत है हम लोग को ग्राम पंचायत सियामर। इसके अलावा सरपंच साहब जैसे अपने अपने यहाँ स्थानीय विधायक महोदय है उनसे भी कोई आपको फंड वगैरह मिला पंचायत को? नहीं ऐसा कुछ सर पंचायत को फंड नहीं दिया, जैसे स्कूल के अंदर फंड देते हैं विधायक मध्य, जैसे स्कूल के कम फंड देते हैं, जैसे कोई मास्टर स्कूल के अंदर कोई भी आज तक हमारी जो 5 गाँव की स्कूल है इसमें विधायक ने कोई फंड भी नहीं दिया, स्कूल के अंदर कोई भी नहीं दिया, नहीं फायदा दिया कोई। आप पुराने सरपंच भी रहे हो, राजनेता के रूप में आसम खान जी जाने जाते हो, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को लेके? नहीं सरकार की क्या करे, सरकार की मंशा देने वाला तो अभी एमएलए दे रहा, डायरेक्ट सरकार मुख्यमंत्री दे नहीं सकता जी। जो हमारे अधिकारी है बैठे हैं एमएलए हैं चाहे हमारे मंत्री हैं ये दे, सरकार तो देगा नहीं, डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री देगा नहीं जी। अब देखना काम देना लेना तो अभी हमारे एमएलए का काम है जी जी। इसलिए हम पीछे पड़े, इतना को हमारा फायदा नहीं है ग्राम पंचायत सियामर में किसी आदमी ने दिया हो। तो अपने क्षेत्र के लोगों ने आपको एक बार पुनः मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे उनके लिए 2 शब्द? नहीं गांव तो हमारा को मान सम्मान दिया, अच्छा किया, बड़ी मेहरबानी। हम 2005 में सरपंच बने थे, 2005 में 10 सरपंच रह गए और 10 से 15
ब्लॉक मेंबर रहे कांग्रेस टिकट से, हम चार पंचायतों के अंदर था, सियामर, बांदा, खुयाला, सानो। फिर पब्लिक ने बड़ी हमारी सेवा की, हमारे मदद दी, और मैंने भी जैसे हमारे जो टाइम चल रहा था उस दौर में हमने भी सेवा करने की कमी दी नहीं। फिर भी इसने मौका इस अभी दिया है मेरे को, बीच से लगा करके आगे दिया है। हम इंशाल्लाह ताला पब्लिक के साथ रहेंगे और इसकी सेवा करने का मौका दिया है तो हम भी करेंगे, कमी नहीं रखेंगे हमारी, जो को हमारे से होगी हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, मदद होगी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात सरपंच महोदय आजम खान जी, ग्राम पंचायत सियामर के जो सरपंच पूर्व में भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी है। तो धन्यवाद सरपंच, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।